ब्लिस्टर्स, छाले या फफोले, हर विटिलिगो पेशेंट अपनी विटिलिगो जर्नी में एक बार इनसे ज़रूर रूबरू होता है या फिर एंटिसिपेट करता है कि कभी ना कभी उनको ट्रीटमेंट के दौरान छाले हो सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे ब्लिस्टर्स और विटिलिगो की। सफ़ेद दाग के पेशेंट्स जब इलाज शुरू करते हैं तो अक्सर उनको धूप की सलाह दी जाती है कि आप दवा लगाएं और धूप में बैठें, और उसके बाद कुछ पेशेंट्स को धूप में जाने से या दवा लगाने से छालों की कंप्लेंट होती है। अब अक्सर मैं ट्रीटमेंट करते हुए ये देखती हूँ कि कई बार तो छाले जेन्युइनली सिर्फ दवा लगाते ही हो जाते हैं और कई बार ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन से भी छाले हो रहे होते हैं। तो वैसे देखा जाए ट्रीटमेंट करते हुए कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को अगर छाले हो रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई बार देखा गया है कि छाले होने के बाद वहाँ पर पिगमेंटेशन भी होता है। ये तब है जब वो मेरी दी हुई सलाह के अकॉर्डिंग बिल्कुल धूप लगा रहे हैं या दवा लगा रहे हैं। बट जब पेशेंट्स धूप का टाइमिंग गलत चूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा ले लेते हैं या दवा की क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं और तब छाले होते हैं, फिर नुकसान होता है और वो छाले आपकी स्किन में फर्दर इंजरी का काम करते हुए मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन यानी कि वहाँ से रंग हटाने का काम करते हैं। तो बात यह है कि दवा जब दी जाए, जब जितनी देर के लिए कहा जाए उतनी धूप लगाई जाए, उतनी ही दवा लगाई जाए, जहाँ बताया जाए बस वहीं लगाई जाए, और अगर आपको दवा लगाने के लिए नहीं दी है तो खुद से उसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो अगर आपको विटिलिगो का ट्रीटमेंट करते हुए कभी छाले हो जाए तो घबराएं नहीं, हो सकता है कि वो रिकवरी का साइन हो सकता है कि आपको अपना दवा लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। दोनों ही केस में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, आपको खुद से इसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको ब्लिस्टर्स की तकलीफ सब कुछ फॉलो करने के बाद भी हो रही है तो उसका भी समाधान है, बट उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए।